17th T20 मैच जो कि राजस्थान रॉयल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान खेला जाना है। यहाँ पे मैच की स्टैट्स, वेन्यू, हर चीज़ आपके सामने डिस्प्ले पे शो हो रही होगी। मैं अपना जेन्युइन कंटेंट आपके साथ रखूँगा, जो अपना टीम वर्क है इसको लेके, कौन सी टीम इस मैच को विन कर सकती है और कौन सी टीम इस मैच को हार सकती है और किस वे में जाके मैच जैकपॉट बन सकता है आपके लिए। क्योंकि यहाँ पे मेरे भाई जितने लोग भी ये कभी कभी मैं लाइक्स ये वो आपको बोल देता हूँ, इसमें ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है लाइक करें या ना करें, आपका दिल करता है तो किया करें, दिल करता है तो ना करें। कुछ लोगों की वजह से मैं बोल देता हूँ, क्योंकि कोई भी दुनिया की फील्ड है ना मेरे भाई, जितना हमने देखा है ना, आप अगर नाकाम है तब भी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, ठीक है, और आप अगर कामयाब हो रहे हैं तो फिर लोग आपसे जलेंगे, ये आपको पता है। ये नहीं कि ये वाली फील्ड, आपके और भी तो ज़िंदगी के मामलात होंगे ना, आप सिर्फ मैचेस को तो नहीं देखते हर बंदे की, अपने अपने ख़ानदान में, दोस्तों यारों में, बाहर लोगों में, बिजनेस, अदर अदर, मतलब जितने भी अननोन पर्सन के साथ मिलते हैं बंदा, ठीक है, जब भी आप नाकाम होंगे लोग आपका मजाक ही बनाएंगे, ठीक है, और जब आप कामयाब होंगे तो आपसे जलेंगे। अब इंसान क्या कर सकता है इसमें, अगर मेरी प्रेडिक्शंस का पैटर्न है रूल नंबर वन सब्र, तो मैं आपको ये बता दूं, अगर इस फील्ड में, बाकी दो ऑप्शन भी आपको बताता हूँ, रूल नंबर टू लिमिट्स बजट, रूल नंबर थ्री जो टीम शेयर करें या विन करें या जैकपॉट स्टाइल में आ रहे, तो वहाँ पे मेरे भाई ये बात याद रखना, इस फील्ड में सब्र ही आपकी ताकत है। अगर आप सब्र को छोड़ते हो ना, तो आपको मैं नहीं, कोई भी दुनिया का टिपर उठा लो, कुछ भी उठा लो, जो आपको कहे कि मैं आपको मैचेस को एंटरटेन करवा दूंगा, तो फिर वो एक दो दिन की चांदनी है, उसके बाद अंधेरी रहती ही है, ठीक है। और यहाँ पे जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया, हर तरह से उनका दिल से भी रिस्पेक्ट करते हैं, एक परिवार की तरह चाह रहे हैं, कितने मुझे सोशल मीडिया पे लोग मिले जिन्हें मैंने बहन भाइयों की तरह चला, क्योंकि कोई फीमेल आए कोई मेल आए, तो वो मैं उनके साथ एक परिवार की तरह चला, एक फैमिली की तरह चला। और मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है मेरे भाई, जो मैं आप लोगों के साथ चीज़ शेयर करते हैं वही हमारे टीम मेंबर भी वही करते हैं, मैं भी वही करता हूँ। ये नहीं है कि आपको और बता दिया, खुद और किया, और ऐसा है भी नहीं है कि खुद ना किया, सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। बाकी ऊपर वाले के हाथ में बहुत सारी कुदरत का निज़ाम है, किसी के हाथ में ज़्यादा लक है, किसी के काम में, किसी की ज़ुबान में ज़्यादा अल्फाज जो निकलते हैं वो ज़्यादा क्लियर वर्डिंग में जा के कम्प्लीट हो जाते हैं, किसी के नहीं होते। तो उसमें देखें, हमारी गलती तो नहीं है ना। अब आपकी कुंडली मैं तो नहीं चेंज कर सकता, ना ही आपकी मैं नसीब को चेंज कर, मैं आपको एक वे बता सकता हूँ, आप इंसान है ना, आप उस वे पर चलेगा तो आगे से उसे कामयाबी मिलनी है। अगर मैं किसी को भी कहता हूँ ना कि यार ये काम करो, तो वो अगर करता है ना, अगर वो दिल से करता है तो वो कामयाब भी होता है। अगर वो बंदा अंदर से मुनाफ़त रखता हो तो उसको मैं क्या कहूँ, ठीक। और जब आप ये समझे ना, बिल्कुल मुश्किल वक्त आ गया, यहाँ पे कोई बंदा हमें नहीं बचा सकता, तो ऊपर वाले से दुआ मांग लिया करो, मेरा भाई वो सबकी हेल्प करता है जिसने हमें दुनिया में भेजा है, सारा सिस्टम उनके हाथ में है। दुआ भी कभी कभी बंदा मांग ही लेता है और अपने अंदर नरमी पैदा कर ही लेता है। अब ये जो होती है ना चीज़ें, मैं आपको कहता हूँ लाइक ये वो, इससे मेरा क्या बढ़ेगा आप मुझे बताएं, कुछ होगा आपके, आप कॉमन सेंस की बात है, आप मुझे वैसे ही बता दें, अगर लाइक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मुझे स्टार लग जाएंगे, मेरे पास इधर यूट्यूब पर ऑप्शन पड़ा हुआ, मैं अभी लाइक का ऑप्शन हाइड कर दूँ, किसी को पता ही नहीं कितने लाइक आते हैं कितने जाते हैं, ठीक है। कमेंट्स भी ऑफ कर सकता हूँ, हर चीज़ ऑफ कर सकता हूँ, उसमें क्या होगा, सिर्फ कुछ भी नहीं होगा। और यार ये तो लोग बैठे होते हैं, सारा टीम वर्क करते हैं, यही समझे छोटे हैं बच्चे हैं, आप यही समझे उनके, वो खुश हो जाते हैं और क्या। ये चीज़ें मैं तो नहीं लिखता इतना कुछ, ये जो आपके सामने डिस्प्ले चाह रही है, इतना वर्क मैं तो नहीं करता, मैं तो अपना कंटेंट आपके साथ वॉइस में शेयर करता हूँ। पहले आप लोगों को मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो आप समझ रहे हो ये नुमान खान लिखता है, ये इतना ये वर्क मेरा इतना ये नहीं है, हमें इतना लिखें, ये आप लोगों की वजह से एक मैंने कंटेंट जो टीम बिठाई हुई है दोनों टेलीग्राम से, ठीक है। अब कल एक दिन मैंने आपको मुंबई और लखनऊ में स्कोर की प्रेडिक्शन उनसे नहीं बनी ना, उन्होंने नहीं अपलोड की, ठीक है, जहाँ पे बनती है वो कर रहे हैं आपके साथ 110% देने की कोशिश कर रहे हैं। कल के दिन भी उन्होंने दो दिए, दोनों ही 110% पास हुई, मैं खुद देख रहा था,
ठीक है, मैच की जो एंट्रीज आपको मिली मैच इंटरटेन करने के लिए वो भी पास की, क्योंकि यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जितनी प्रेडिक्शंस या एनालिसिस हैं सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, ना कि किसी लीगल एक्टिविटीज़ के लिए, तो आप लोग काइंडली कम्युनिटी गाइडलाइंस का ख्याल किया करें, ठीक है। अब यहाँ पे केकेआर की अगर बात करते हैं तो एक चोर टीम निकल के आई आगे, क्योंकि इसके जीतने या हारने में कोई बंदा भी मैच को इंटरटेन करना बहुत ही मुश्किल था। एक दो मैच जैकपॉट में किए हैं इसने जिसमें हमने भी आपको इंटरटेन करवाया, लेकिन अदरवाइज अगर आप थ्रू आउट परफॉर्मेंस देखते हैं तो फिर आपको पता ही है इसकी क्या रही है, ठीक है। तो यहाँ पे की प्लेयर्स नंबर वन पे नितेश राणा, नंबर टू पे एंड्रे रसल्स, नंबर थ्री पे रिंकू सिंह, और बॉलिंग ऑप्शन में नंबर वन पे मिचेल स्टार्क। ये चार की प्लेयर्स मैंने आपको बताए हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। और इसके साथ साथ आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि देखें ये मैच मैंने आपको जो टीम शेयर करनी है वो 110% या 210% आपको विनिंग परसेंटेज के बिल्कुल लाइन टच करेगी करीब की, लेकिन वहाँ से जाके अगर ये मैच वो टीम जैकपॉट स्टाइल में आती है तो फिर आप लोगों की अपनी खामी होगी कि आप मैच को इंटरटेन नहीं कर सकते, ठीक है। मैं अपनी पूरी कोशिश जितना हमारा टीम वर्क है उसके हिसाब से आप सर टीम एक रखूँगा वीडियो में, लेकिन जो चीज़ देखें अगर आपको ये समझ आ जाए ना कि हमने कामयाब होने हैं तो नाकामी का मुंह भी हमने देखा, लेकिन ये है कि कामयाब होना है तो फिर ये मेरे भाई कामयाबी अगर इतनी आसानी से मिल जाती ना तो आज कोई बंदा दुनिया में नाकाम नहीं होता समेत मेरे, ठीक है। हमने क्या कामयाबी की है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी कामयाबी इसमें है कि आप लोग कामयाब हों, ठीक है। अब आप लोग भी इस फील्ड से पीछे नहीं हट सकते, ना पीछे हटेंगे तब भी मुझे पता है कितने कितने मसाइल से गिरे हुए लोग आते हैं यहाँ पर आके एज ए रिक्वेस्ट भी करते हैं। अब आपके सामने पेड भी हमने ख़त्म कर दिया, हमने कहा बिल्कुल ओपन हर चीज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं, टेलीग्राम पे भी यूट्यूब पे भी ऐसी ऐसी लोगों की स्टोरी हैं। और ये ना समझें कि ये फील्ड गंदी है तो ये हो जाता है तो वो हो जाता है, मेरी बात सुनिए, इधर अरबोंपति लोगों ने भी खुदकुशियाँ की हैं, ठीक है, अरबोंपति लोग, और वो इस फील्ड को बिल्कुल एक लम्हे के लिए भी जजमेंट नहीं थी उनकी, उन्हें पता ही नहीं था ये क्या कौन सी फील्ड है, ठीक है। और वो बिजनेस कई कौन अपने आप को कहते हैं, उन्होंने भी खुदकुशियाँ की हैं। तो ये मेंटली गेम है, जब दुनिया में आए हैं तो खुदकुशी करना तो एक हार की निशानी है, ठीक है, बहुत बड़ी हार की निशानी है, तो उसका तो फ़ायदा ही कोई नहीं है, ठीक है। और किसी को, कई लोगों ने अपने बीवी बच्चे मार दिए जी, वो इसमें क्या होगा भाई, कोई बंदा दुनिया में अगर कोई आ गया आपको कोई टेंशन परेशानी है आपको, मैं कह रहा हूँ ऊपर वाले से मदद मांगो, करेगा हर बंदा। अब आप मुझे कहते हैं, मुझसे जो होती है भाई, कोई लोग आते हैं व्हाट्सएप पे पर्सनल आके बातें करते हैं ये करते हैं वो, तो मुझसे जो होता है मैं कर देता हूँ। अब मेरे पास एक बंदा तो नहीं है, आपके सामने सोशल मीडिया पे हजारों लोग आते हैं, हजारों लोगों की तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मेरे पास चले या हमारे पास अगर काम है, मैं ये कहता हूँ चले हम आपके सामने शेयर करते हैं, आप भी इस फील्ड में है तो आप मैचेस को इंटरटेन करें, लेकिन उसके लिए देखें हमारे प्रेडिक्शंस के पैटर्न को फॉलो करें। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है इस फील्ड में सिर्फ और सिर्फ सब्र आपकी ताकत है। अगर आप इससे थोड़ा सा वो वाला कहते हैं ना जो आप लोग डायलॉग सुनते हैं, रिस्क लेंगे तो पार हो जाएगा, आर हो जाएगा या पार हो जाएगा, इसमें ज़्यादा आर ही होगा, पार शार कोई नहीं होना, ठीक है। एक दफ़ा होगा, दो दफ़ा, लेकिन बुजदिल बंदा जो होगा ना वो भी इधर कामयाब नहीं है। थोड़ा सा दलेर बंदा हो, ठीक है, ब्रेव हो, बहादुर इंसान हो, वो थोड़ा सा इस फील्ड में कामयाब जा सकता है। हाँ बिल्कुल, आपको एक चीज़ का पता ही नहीं है अलग से बे, तो मेरा भाई आपको ऑलरेडी बताया ये गलत काम है, आप इससे पीछे हट जाएं। अब दुनिया में हजारों लोगों ने धोखे खाए हुए हैं, किसी ने प्यार में खाया हुआ, किसी ने मोहब्बत में खाया हुआ, किसी ने अपने रिश्तेदारों से खाया हुआ, किसी ने दोस्तों से खाया हुआ है, तो दिमाग तो सब इंसानों का एक ही है ना, जो धोखा भी दे रहे हैं और जो सीधी रास्ते पर चल रहे हैं, या दिमाग अलग अलग है। अब यूज़ कैसे करना है ये आपके पास है, आप यूज़ करें, इसे इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला ने आपको ऊपर वाले ने भेजा है तो फिर आप इस्तेमाल करें। अब बेवकूफ़ों की तरह उठ के एक चीज़ के पीछे पड़ जाना, ओ जी ये मैच अभी 3 बजे लगने हैं जी, 3:30 बजे लगने हैं जी, 7 बजे लगने हैं जी, एक माइंड सेट करके बैठ जाना, ये क्या है, कुछ भी नहीं है। साथ साथ देखें इंसान का कोई भी हो ना, कारोबार मामलात हों फिर तो उसके साथ मामलात चलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं ना,
अपने इर्द गिर्द ही रहता। मैं आपके होल वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा, तो होल वर्ल्ड में भी यही इंसान पाए जाते हैं। इन्हीं का एक ही ब्रेन सिस्टम है, किसी का ये नहीं है कि किसी के ब्रेन में कंप्यूटर ऊपर से फिक्स हो के आया हो या लैपटॉप फिक्स हो के आया हो, सबका एक ही ब्रेन है, आपका मेरा जितने भी लोग हैं, ठीक है। ये जो अपनेटाइज करते हैं ये वो, इधर बैठ के कई लोग किसी को अपनेटाइज कर देते हैं, ठीक है, दूसरी जगह पे, दूसरी कंट्री में, तो उन्होंने भी अपनी फील्ड में दिमाग को इस्तेमाल किया है। तो आप लोग भी दिमाग को इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको किसी को अपनी ज़रूरत बताएंगे, ज़रूरतमंद बनेंगे, तो फिर ये बात याद रखिएगा, अगर आपकी वो मदद करेगा ना, वो इसी तरह करेगा कि आप भिखारी बने रहें, आप अपने पाँव पे खड़े ना हो। तो ये भी एक सोचा समझा ही कत्ल होता है इंसान का, इससे बेहतर है उसे फायर ही मार दो ताकि तुम लोगों की जान छूटे और वो तुम लोगों से ज़रूरतमंद हो के कभी भी मदद मांगे ही ना। और जितना अरूज जवाल हमने देखा है, मैं ये समझता कि अपनी, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बात आपको मैं 100% नहीं 200% अभी भी अरूज पर बैठी हुई हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं, इसमें गुरूर तकब्बुर की बात नहीं है। लेकिन मैंने आपको जो बात बोली है ना, ये बात आप याद रखिएगा, आप ज़रूरतमंद बनेंगे तो दुनिया आपको ज़रूरतमंद बना के ही रखेगी, ठीक है, ये बात आप याद रखता है। चाहे आपके जो को बहुत कहें ना हमारा भाई बहन ऐसे नहीं है और हमारा फ्रेंड्स तो ऐसे नहीं है, तो ये फिर वो ही बता दिया ना कि तुम लोगों के अपने ब्रेन में थोड़ा सा है कि तुम लोग उन्हें समझ नहीं पा रहे। काफ़ी लोगों की मेरे पास स्टोरी है भाई, मैं अगर शेयर करनी शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैंने इसलिए ये अल्फाज बोले हैं ताकि उनको भी थोड़ा मोटिवेट हो और अपने पाँव पे खुद खड़े हों। भाईजान दुनिया में अगर आप कहें ना ज़रूरतमंद बन के ही रहना है, तो फिर ज़रूरतमंद ही बने रहोगे। कुछ करना है तो कुछ करो, और ये फील्ड आपको बताया, इसमें आपको मैंने आपको हर तरह स्ट्रेंथ आपकी बताता हूँ कि आप इससे इस तरह जाके मैच को इंटरटेन करें, और आप आके फिर रोते हैं इतना हमारा ये हो गया भाई जन, वो हो गया, फिर मेरा भाई ये हो गया वो हो गया, या तो फिर मैं कहता हूँ स्किप कर दें, फिर आप छोड़ दें, आपसे वो काम भी नहीं होना। लोगों से कर्जे लेके, ब्याज लेके, सूद लेके ये काम करोगे तो ये तो कामयाबी की तरफ बंदा नहीं जाता। आप पीछे से बिजनेस हो, आपकी आमदन आ रही हो, आपके बैकअप्स हों, आपकी लिमिट्स हों, फिर आप मैचेस को इंटरटेन करें तो अच्छा लगता है बंदा। अब इसमें मैंने अगर कोई गलत बात बोली है, कोई बंदा हर्ट हुआ है, तो मैं उससे एक्सक्यूज़ भी करता हूँ, लेकिन जो बातें मैंने बोली हैं ना उसको अगर आप फॉलो कर लो, जो वीडियो को स्किप करके हैं पूरी सुन लें और आप उसको फॉलो कर लो, आप किसी वे में भी जाके नाकाम नहीं होगे, कामयाबी होगे, कामयाबी आपका वेट कर रही है। लेकिन ये चीज़ें आप लोग हमेशा ज़रूरतमंद बने रहोगे, अपने माइंड में हर तरफ से आप लोगों ने लोगों को सवार किया हुआ है, हार मानी हुई है ज़िंदगी में, तो भाईजान फिर इस तरह मामला नहीं होते जीने। आपको आपके पास मेरे पास कोई गारंटी है जी अभी एक मिनट की भी कि मैं अभी इसके बाद जीऊँगा, या आप लोगों के पास कोई है गारंटी, किसी के बंदे के पास है? सब बेकार बातें होती हैं, जो मर गया फिर ख़त्म हो जाती है बात। तो इसलिए आप अपने मामलात को ऐसा रखें कि जितना ऐसा जीना है फिर सही तरह जीना है। ये नहीं है कि अपने साथ अपने बहन भाइयों को भी टेंशन में डाली रखें, वालदैन को भी टेंशन में डाली रखें, इस तरह मज़ा नहीं आता। सही तरह करें आपने, अब देखें ये मैच है ना, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मैच हम विनिंग परसेंटेज को टच करेंगे इस मैच में, दोनों मैचेस में विनिंग परसेंटेज को टच करेंगे। 110% कोशिश होगी कि ये मैच हम बिल्कुल क्लियर कट जाके मैच को विन करें। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, पहले मैं आपको की प्लेयर्स बता दूँ राजस्थान रॉयल्स के, संजू सैमसन नंबर 1 पे, नंबर 2 पे रेहान पराग, नंबर 3 पे टॉम कैटमोर, ठीक है, और युविंद्रा चाल इस मैच में 2+ विकेट ले सकते हैं। ये 4 की प्लेयर्स मैंने आपको राजस्थान की तरफ से बताए हैं। अब यहाँ पे मेरा भाई ये बात याद रखिएगा, टॉम कैटमोर को लाने का मकसद, ये बंदा ऐसे प्लेयर है, ये आपको अगर इसने मैच किसी वे में भी जाके वन सेट कर सकता है, चाहे सेकंड बैटिंग पे हो या फर्स्ट बैटिंग पे हो, 5 से 6 ओवर खेल गया तो ये मैच वन सेट भी कर सकता है, ठीक है। तो इसके इसीलिए आपको बताया कि सब्र को आपने नहीं छोड़ना, और लास्ट 5 मैचेस की परफॉर्मेंस अगर आप देखते हैं तो 4 मैचेस बैक टू बैक राजस्थान रॉयल्स की टीम हार चुकी है और 4 मैचेस बैक टू बैक कलकत्ता नाइट राइडर्स की टीम जीत चुकी है। तो यहाँ पे बिल्कुल उस जगह पे मुकाबला है, और आप ऑन रिकॉर्ड ऑन बोर्ड जो चीज़ दिखाई जा रही है उसमें झोल है मेरे भाई, वो दाल में बहुत ज़्यादा काला है कुछ। ये आप इसको देखें, असम इंडिया में ये मैच खेला जाना है, ठीक है, जिस तरह की परफॉर्मेंस जा रही है, कलकत्ता टॉप ऑफ द टेबल टीम है, ठीक है, और राजस्थान रॉयल्स
अब आप आरसीबी को देखें ना कैसे आई है, फिर जो लोग मैदान में, अब विराट कोहली मेरा फेवरेट प्लेयर है, मैक्सवेल भी, और दोनों ही एक टीम में परफॉर्म करते हैं। आपके सामने चैनल डीपी जो 3 ईयर अगो लगी थी वही लगी हुई है, तो ये लोग ये हैं, ये काबिल ये प्लेयर्स हैं, इनकी कलाइयों में दम है, इनके इरादों में पुख्ती होती है, ये करते हैं फिर गेम, जब करते हैं तो करते हैं, जब नहीं करते तो नहीं करते, लेकिन जब करते हुए ठान लेना फिर करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, ये जो ये चीज़ें नोट किया करें, आपके जहन में एक प्रॉपर ये बात बैठी है कि दो नंबरी है, फिक्सिंग है, लेकिन आप उसको प्रूफ करें तो फिर तो मज़ा आता है। वैसे ही कहने से, ब्लेम करने से तो हर बंदा किसी पे कर सकता है, ठीक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो लास्ट फाइट जो इनकी हुई है कलकत्ता 223 रन किया था, फिर भी राजस्थान रॉयल्स ने 2 विकेट से चेस किया था, जैकपॉट मैच गया था। यहाँ पे मेरे भाई हमारी मैच विनिंग टीम राजस्थान रॉयल्स की टीम है, लेकिन ये बात याद रखिएगा, राजस्थान रॉयल्स चाहे जिस वे में भी जाके मैच को इंटरटेन करने की कोशिश करें आप, लेकिन मैं आपको नुमान खान वाले टेलीग्राम पे स्कोर्स की सारी प्रेडिक्शंस की वहीं पे आएंगी, और मैच की प्रेडिक्शंस दोनों टेलीग्राम आप फॉलो रखें जिस पे भी आएगी, ठीक है। लेकिन आप ये बात याद रखिएगा, अगर जो सिर्फ यूट्यूब की ऑडियंस है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे मुझे सुन रहे हैं और उन्होंने टेलीग्राम को फॉलो नहीं करना, तो उनके लिए इतनी बात बोलना चाहूँगा मेरे भाई, अगर रेन इंटरप्ट करती है तो मैच के रिजल्ट्स कलकत्ता के पास जाते हैं डकर्स डूअर्स के तहत या ओवरकम हो जाते हैं, तो उसमें प्रेडिक्शंस मेरी चेंज भी हो सकती हैं। अदरवाइज रेन नहीं होती, मैच 20 ओवर कम्प्लीट होता है, फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग, तो वहाँ पर मेरी टीम सेम है। और फिर अगर ये हारी राजस्थान रॉयल्स की टीम, तो फिर ये करीब से जाके जैकपॉट स्टाइल में हारेगी, अदरवाइज विन कर जाएगी। और जो बातें मैंने आपको वीडियो को स्टार्ट में बताई हैं मेरे भाई, सब्र ही आपकी ताकत है, तो इसको अगर आप इस फील्ड में लेके आगे बढ़ते हैं तो आप बआसानी मैचेस को इंटरटेन करेंगे। इंटरटेन करवाना मेरा काम है, आपने सब्र के साथ अपनी लिमिट्स के साथ अपने बैकअप के साथ मैचेस को देखना है, एंटरटेन करना है। देखें यूट्यूब की एक पॉलिसी है जिसपे हम जिसका प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों के माइंड में एक बात बताना चाहता हूँ, कल मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, अगर आपको यकीन नहीं हमारे चैनल पे ऑलरेडी वार्निंग जा रही है, ठीक है। अब मुझे यूट्यूब का चैनल भी एक और क्रिएट करना पड़ेगा, किसी टाइम भी स्ट्राइक आया तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये चैनल भी ऑलरेडी हमने 300+ वीडियोस मैंने शॉर्ट्स में और वीडियोस में डिलीट की, वो पॉलिसीज की अगेंस्ट चली जाती हैं। और आपको क्या बताया, लोग रिपोर्टिंग करते हैं, लोग जलते हैं ना, फिर इसलिए आपको बताया, जब आप नाकाम होंगे तब भी मजाक बनाएंगे, जब आप कामयाब होंगे तो फिर आपसे जलते हैं, तो जलने का वो फिर ये कुछ कर तो कुछ नहीं सकते, वो यही रिपोर्टिंग कर सकते हैं, और उससे यही होता है कि चले यूट्यूब के जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करके मैं आपसे बात कर सकता हूँ। मेरे तो यही मेन रीज़न ये है कि आपको मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि यूट्यूब की जितनी भी प्रेडिक्शंस आपके साथ शेयर की जाती है इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, इसीलिए बोलता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी लिमिट्स हैं जिसको हम क्रॉस नहीं कर सकते। ऑलरेडी चैनल फिर उड़ गया, फिर ये दोबारा नए सिरे से ये चीज़ें क्रिएट करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, तो ये चीज़ें आपने समझनी है। और इस मैच के अलावा जो पंजाब किंग और पंजाब और सनराइज हैदराबाद का मैच है, उसकी प्रेडिक्शन भी आपके साथ हुई हुई है। फिर भी किसी भाई को कोई चीज़ समझ नहीं आती, देखें ये इस वीडियो को आप स्किप ना करें, मैं आपको इतना तक जो लोग स्किप करके आए हैं ना उनको इतना बोलना चाहूँगा, दोबारा जाके वीडियो पूरी मुकम्मल देख लें, तो इसमें आपको बहुत सारी हिंट एंड ट्रिक मिलेंगी। आपको ये लाजमी नहीं, इसी फील्ड में बहुत सारी फील्ड में आप आगे निकल सकते हैं लोगों से। तो वेन्यू स्टैट्स इतने ज़्यादा नहीं है, 3 मैचेस हुए हैं, सेकंड बैट 2 दफ़ा विन की है, 1 दफ़ा फर्स्ट बैट विन की है, और ज़्यादातर इसमें 2 दफ़ा हाई स्कोर बने, 1 दफ़ा लो बने, ये चीज़ में मैं नहीं गया, मैंने अपना जेन्युइन कंटेंट आपके साथ रखा है। और यहाँ पे रेन अगर होती है तो उसमें कुछ चेंजिंग हो सकती है, अदरवाइज जो चीज़ आपको बताई है वो ही 110% कम्प्लीट रिजल्ट के साथ ग्रीन डे के साथ दोनों मैचेस का एंड करेंगे, कोशिश पूरी होगी। और जो पहला मैच है उसमें भी आपने सब्र के साथ मैच को देखना है, एंटरटेन करना है अगर, तो उसके लिए भी मैं आपको दोनों टेलीग्राम पे कुछ ना कुछ लाजमी अपडेट जितना मुझसे हो सका जितना बन पाया वो आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी हार जीत होती रहती है, अब फाइनल 4 में आ गई ना आर सी बी, कहाँ से आ रही है बैक टू बैक 6 मैच, ठीक है, तो फिर ये चीज़ जब होती है तो फिर ये चलती रहती है। फिर अभी आगे देखें, अभी रंग आईपीएल के
अभी फाइनल पोजीशन में जाके क्या आपको रंग नज़र आने वाले हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान टूर इंग्लैंड जो T20 मैच है उसमें आपको जैकपॉट मैचेस मिलने वाले हैं, बांग्लादेश टूर USA वो भी आपको पता लग जाएगा कि USA में क्या होता है। लेकिन आपका फीडबैक, आपका फॉलो बैक, आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, इन्हीं चीज़ों के साथ हमारी स्ट्रेंथ बढ़नी है और हमने आपके साथ चीज़ें शेयर करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।